रूस यूक्रेन युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है। रूसी हमलों की मार झेल चुका यूक्रेन भी अब जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों से रूस पर ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी है। हाल ही के दिनों में यूक्रेन ने रूसी इलाके कुरस्क में बढ़त बनाने के साथ इस युद्ध को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक बार फिर यूक्रेन ने अपनी ड्रोन ताकत से रूस में दहशत मचाई है। यूक्रेन ने जोरदार हमला करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी बड़ा झटका दिया है। दरअसल यूक्रेनी ड्रोन रूस के सेराटोव में एक ऊंची इमारत से जा टकराया। इस भीषण ड्रोन हमले से बहुमंजिला इमारत में भयंकर आग लग गई। यूक्रेन हमले के बाद तुरंत इमारत को खाली कराया गया। बताया जा रहा है कि ये हमला इमारत की 19वीं मंजिल पर हुआ। गवर्नर ने बताया कि यूक्रेनी कामिकेज ड्रोन ने रूस के सेराटोव इलाके में ऊंची आवासी इमारतों पर हमला किया। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेनी हमले का कड़ा जवाब भी दिया, मगर ड्रोन के टुकड़े गिरने से सेराटोव और एंगल्स शहरों के घरों को नुकसान पहुंचा है। दो लोगों को जलने और छर्रे लगने से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक महिला की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वहीं एक अन्य यूएवी एंगल्स में अपार्टमेंट ब्लॉक में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसके मलबे से बड़ी संख्या में वाहनों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा ब्रांस क्रीजन में एक ड्रोन को मार गिराया गया है। रूस पर हुए यूक्रेनी हमले के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन पश्चिमी रूस के घनी आबादी वाले सेराटोव इलाके में घुसपैठ करते हुए दिख रहा है, जहां ड्रोन हवा को चीरते हुए तेज रफ्तार में 38 मंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक से टकरा जाता है। इससे इमारत में जोरदार ब्लास्ट होता है और भयंकर आग लग जाती है, तो वहीं इमारत से धुआं निकलने लगता है। ड्रोन हमले से घटना स्थल पर अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन जाता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई देते हैं। हमले के बाद इलाके को तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया और वहीं रूसी सेना भी अलर्ट मोड पे आ गई है। दरअसल यूक्रेन ने रूस के सेराटोव इलाके में ड्रोन से हमला कर रूस समेत दुनिया को चौंका दिया है। दावा है कि यूक्रेन ने रूस पर अमेरिका के हुए 9/11 जैसे हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेन ने एक के बाद एक कई बहुमंजिला इमारतों पर ड्रोन से हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि रात भर में 20 ड्रोन रोके गए, जिसमें सेराटोव रीजन के 9 ड्रोन शामिल हैं। इसके अलावा कुरस्क में 3, बेलगोरोदस्काया में 2, ब्रांस्क में 2, ओवरपुल्स्काया में 2, ओवर ओलर्स्काया में 1, रियाजान में 1 ड्रोन से हमला किया। रूस का कहना है कि यूक्रेन उसके नागरिकों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। वहीं बीते रविवार 25 अगस्त को भी रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया है। स्थानीय गवर्नर ने बताया कि बेलगोरोड इलाके के राकिटोना शहर पर यूक्रेनी हमले से 5 लोग मारे गए, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। गोलाबारी से शहर में गैस पाइपलाइन और एक बिजली लाइन को भी नुकसान पहुंचा है। गवर्नर ने बताया कि ये इलाका यूक्रेनी ड्रोन हमलों और बमबारी की चपेट में आया है। बता दें कि बेलगोरोड रीजन ब्रांस और कुरस्क की तरह यूक्रेन के साथ सीमा से करीब है, जहां करीब रोजाना चल रहे संघर्ष के दौरान यूक्रेन की ओर से हमला किया जा रहा है। अंधाधुंध तोपखाने, मिसाइल और ड्रोन हमलों ने स्थानीय नागरिक बुनियादी ढांचों को काफी नुकसान पहुंचाया है। गौरतलब है कि यूक्रेन ने पिछले सप्ताह भी रूस पर हमला किया था। इस दौरान यूक्रेन ने 45 ड्रोन दागे थे।